हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो सेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड ना होकर आज हम लोग का जो सेशन है वो क्या है, जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, जीएस के क्वेश्चंस हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग डेली बेसिस पे एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और लगातार बने रहेंगे जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तब तक हम लोग लगातार एनटीपीसी रेलवे के लिए तैयारी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो भाई आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले चैनल को बेटा कर दो सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहला काम आपको यही करना ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा डेली बेसिस पे आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। लगातार बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको डेली बेसिस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप लगातार बने रहेंगे, ठीक है ना। चलो चलो भाई, बाकी बात करते हैं कि आगे अदर पॉइंट्स की। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार, उन सभी का स्वागत रहता है हमारे चैनल पर, और बाकी लोग भी जुड़ते रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे राजपूत प्रिंसेस हो गए, निमेश राजपूत हो गए, तो जितने लोग भी जुड़े रहते हैं वो काफ़ी अच्छा, उन लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता है। ठीक है, मल्लिका अर्जुन, अजय वर्मा, एनसीसी कैडर, महेश पुलिस, अजय कश्यप, है ना, वीरसेन, स्टाइलिश, अमित, सीवी पाठक, रविशंकर, जितने लोग भी कनेक्ट रहते हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। चलो भाई बात करते हैं कि डेली लाइफ क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलती है। तो बेटा डेली लाइफ क्लास चलती है 8 से 9, और चलती है दूसरी 9:30 से 10:30, और दोनों ही आपको बता दूं मैं, दोनों ही चलती है पीएम पर, मतलब रात में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अदर स्पेशल क्लासेस भी आपको 14, 15, 16 डेली आपको स्पेशल क्लास भी मिलेगी। ठीक है, स्पेशल क्लास कहाँ मिलेगी, अनअकैडमी ऐप पर मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं कोर्सेज, और इन कोर्सेज में आपको परचेज करना है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए बेटा आप इस कोड को लगाओगे SANGEETA, देन आपको मिलेगा 10% का ऑफ। क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा। और बाकी बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। महावीर और बुद्ध क्या थे? शूद्र थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे? बताइए भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। महेश, कमल, स्टाइलिश, एनसीसी कैडेट, जितने लोग भी कनेक्ट रहते हैं डेली बेसिस पे सभी लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्षत्रिय। राइट आंसर क्या है? क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। पुष्पांशु, वीरेंद्र, स्टाइलिश, एनसीसी कैडेट, कमल, जितने लोग भी जुड़े रहते हैं डेली बेसिस पे सभी लोग आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रजत गोपाला, मल्लिका अर्जुन, तो राइट आंसर इसका है शुद्धोदना। राइट आंसर है शुद्धोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टांग मार्ग या 8 गुना पथ के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? अष्टांग मार्ग या 8 गुना पथ के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दे रहे हैं और राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका है बुद्ध। राइट आंसर क्या है? बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था? गुप्त वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
गुप्त वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था? जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को आंसर बताना है, सभी लोग को लगातार आंसर बताते हुए चलना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी? कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए। राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म के स्थानिक नेताओं को तीर्थ करके नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस धर्म के स्थानिक नेताओं को तीर्थ करके नाम से जाना जाता था? बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग बेटा आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने लोग भी जुड़े रहते हो सभी लोग आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकेश, लामनी, अजय कश्यप, कमला, जितने लोग भी, रविशंकर, वीरेंद्र कुमार, अमित जाधव, जो भी डेली बेसिस पे जुड़ते हैं सभी लोग आंसर दो बेटा। तो राइट आंसर है इसका जैनिज्म। राइट आंसर क्या है? जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरवाद किस धर्म का संप्रदाय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थेरवाद किस धर्म का संप्रदाय है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थेरवाद किस धर्म का संप्रदाय है? आपको पता है ना डेली क्लास कितने बजे से होती है? 8 से 9 और 9:30 से 10:30, याद रखिएगा। 9:30 से 10:30 हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं करेंट अफेयर्स। क्या डिस्कस करते हैं? करेंट अफेयर्स, ठीक है। देन राइट आंसर इज बुद्धिज्म। राइट आंसर क्या है? बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में बौद्ध धर्म का परिचय कौन देता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चीन में बौद्ध धर्म का परिचय कौन देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चीन में बौद्ध धर्म का परिचय कौन देता है? और आपको बता दें नोटिफिकेशन बेटा तभी आएगा जब आप बेल आइकन दबाओगे। बिना बेल आइकन दबाए नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। देन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हुआंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से कौन मौर्य राजवंश से संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन मौर्य राजवंश से संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। तो राइट आंसर इसका है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में नाम भारतीय इतिहास के एक ही व्यक्ति के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। एनसीसी कैडेट ललित उपाध्याय, स्टाइलिश आर्या, अमित जाधव, रजत गोपाला, विक्की, शिवी पाठक, आकाश गुप्ता, वीरेंद्र, जितने लोग भी भाई जुड़े हैं सभी लोग आंसर दीजिए। टाइम आपको पूरा मिलता है आंसर देने के लिए, सोचने का आंसर मिलता है, उसके बाद भी आंसर गलत आए तो गलत बात है। राइट आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है इसका 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम से कौन जानी जाती थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम से कौन जानी जाती थी? राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताओ। तो राइट आंसर है मेहर उन निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुरु ने लंगर की संस्था शुरू की थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस गुरु ने लंगर की संस्था शुरू की थी? क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस गुरु ने लंगर की संस्था शुरू की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था?
जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका अर्जुमंद बनु बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रजिया इल्तुतमिश का क्या था? सुल्तान रजिया इल्तुतमिश का क्या था? बेटा था, पत्नी थी, बहन थी, भांजी थी? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सुल्तान रजिया इल्तुतमिश का क्या था? बेटा था, पत्नी थी, बहन थी, भांजी थी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है इसका मुगलों की दरभाषी थी फारसियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के क्षेत्र में अकबर का सबसे बड़ा योगदान था? धर्म के क्षेत्र में अकबर का सबसे बड़ा योगदान था? तो करेक्ट आंसर इसका है फाउंडिंग अ न्यू रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को निम्न में से किस रूप से में भी जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज धुलाई का सोडा, बेकिंग सोडा या चूना सोडा या फिर कौन? तो राइट आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल की संपत्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल की संपत्ति नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग अग्निशामक शामक यंत्रों में किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है सल्फेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण और चांदी के गहनों की सफाई के लिए सुनारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण और चांदी के गहनों की सफाई के लिए सुनारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष आकार गलत है? निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष आकार गलत है?
राइट आंसर है एमजी एआई और एनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से सबसे सबसे आकार सबसे ज्यादा किसका छोटा है? तो राइट आंसर इसका है Al+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भाप गर्भ कोख के ऊपर से गुजरती है तो क्या उत्पन्न होती है? जब भाप गर्भ कोख के ऊपर से गुजरती है तो क्या उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है इसका सिंथेसिस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता गैस का निर्माण है, बताइए क्या? निर्माता गैस का निर्माण है, इनमें से क्या है? बताइए सर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस के होते हैं, जल गैस के होते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बेटा बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान 44वें में संशोधन के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित अधिकार हटा दिए गए हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अधिकार को हटा दिया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं देता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दो। तो राइट आंसर है इसका राइट ऑफ इक्वल होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में प्रदान किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में प्रदान किया गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति निर्देशों के तहत बच्चों की किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत एक जांच है जो बैंक की सुविधा पर भुगतान करता है, यह किसने बताया था?
राइट आंसर है केटी सेट। ठीक है, यहाँ पे केटी सेट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है नॉन जस्टिस केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राइट आंसर है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसीना हिल कहाँ पर है? रायसीना हिल कहाँ पर है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है इसका वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का पावर कब मिलती है? कितने प्रकार की शक्तियां मिलती हैं राष्ट्रपति को? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किस संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग। तो राइट आंसर है इसका 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2008 से राज्यपाल का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1.5 लाख, 1.10 लाख। ठीक है, 1.10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते से निर्धारित होता है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते से निर्धारित होता है क्या? देन राइट आंसर क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 167। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग आंसर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य विधान मंडल की संरचना और शक्तियों से संबंधित है? संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य विधानमंडल की संरचना और शक्तियों से संबंधित है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है भाग 6। राइट आंसर भाग 6। ठीक है, भाग 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी तीन कैपिटल हो गई है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और तीसरी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की अधिकतम शक्ति किसके पास है बताओ भाई, कौन सा है? 520, 545, 450, 500। तो राइट आंसर है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधायिका की स्थगन शक्ति किसके साथ है? राज्य विधायिका की स्थगन शक्ति किसके साथ है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें एंटी डिफेक्शन अधिनियम के बारे में प्रावधान है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें एंटी डिफेक्शन अधिनियम के बारे में प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान बनाया गया था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जब संविधान बनाया गया था तो अनुसूचियों की संख्या मतलब शेड्यूल कितने थे? तो राइट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं ने संविधान की न्यायिक समीक्षा के विचार को उधार में लिया था बताइए कहाँ से? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बताता है? क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है पार्ट 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को इसमें निहित किया गया है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग लगातार आंसर देते हुए चलो और लास्ट में अपनी एक्यूरेसी जरूर चेक करना, रोज मैं बताती हूँ। उसका राइट आंसर है द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में हम लोग का स्रोत है बताइए इसका राइट आंसर। प्रस्तावना में हम लोगों का स्रोत है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द सोर्स ऑफ वी ऑफ द वी द पीपल इन द प्रियम्बल इज, तो राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी समानता बंधुत्व के साथ जुड़ा एक नारा है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज अ स्लोगन एसोसिएटेड विद, तो राइट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राइट आंसर इज, राइट आंसर इज लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, वीडियो पसंद आया है बेटा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपके रिवीजन क्वेश्चन थे, ये रिवीजन कराया है मैंने, ठीक है? ठीक है ना, ये रिवीजन के क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, इस कोड को ध्यान रखना, इस कोड से आपको मिलेगा 10% का ऑफ 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 ऑफ, ठीक है? फटाफट इसका लाभ उठाएं, ठीक। चलो भाई, थैंक यू सो मच क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।